हम लोग अभी आए दूसरे स्टॉल पे। हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे पीछे कृष्णा जी का जाप चल रहा है, उससे आप गेस कर पा रहे हो कि आज का ब्लॉग किसके रिगार्डिंग है। मैं भी आई हूँ सिंगापुर के भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने इसके रिगार्डिंग ब्लॉग बनाया था और अभी फिर से आज यहाँ पे सिंगापुर जैसी डेवलप कंट्री में रथ यात्रा निकलना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, तो हम लोग उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। आज 30 जून, और जब तक ब्लॉग आएगा थोड़ा डिले होगा। आप लोग अगर सिंगापुर में हो या फिर एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके शामिल हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बट अभी के लिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे रथ यात्रा कैसी निकाली जाती है एंड यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या होता है। बिफोर दैट यहाँ पे आने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड होती है जो ऑनलाइन करना पड़ता है, या फिर आप यहाँ पे इन पर्सन आके भी वॉकिंग करवा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगापुर जैसी कंट्री में होके भी विदेश में ऐसे इतने सारे भारतीय भरे हुए हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे रथ रेडी हो रहा है, थोड़ी देर में यात्रा चालू होने वाली है। तो स्टे ट्यून फॉर रथ यात्रा। यहाँ पे फर्स्ट एड भी है, अगर कुछ इनकेस इमरजेंसी हुई तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। अभी सिंगापुर में टाइम हो रहा है 5:30 अराउंड, और यहाँ पे ये रथ अभी सजाया हुआ है, थोड़ी देर में यात्रा चालू होने वाली है। आप देख सकते हो ये स्टेडियम में पूरा भरे हुए हैं लोग, अभी तो भीड़ हुई भी नहीं है, पूरा स्टेडियम भर जाएगा। एज़ अगर किसी को इंटरेस्ट है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हो यहाँ पे रेनिंग है थोड़ा, लेकिन स्टिल लोगों को इतना इंटरेस्ट है, इतने भर रहे हैं। रथ यात्रा होती है स्टेडियम में, और अभी इस साल हो रही है खाती में, लास्ट ईयर कहीं और स्टेडियम में हुई थी। So if anybody interested, you can join here and keep updated on their FB page, Facebook, Instagram page, ताकि आप next year join कर सकें। Apart from that, यहाँ पर बाजार भी लगा हुआ है जहाँ पर shopping experience कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बाजार लगा हुआ है, let's see यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ये पूरा spiritual के लिए है। यहाँ पे ड्रेसेज मिल रही हैं। श्री दुर्गा करके एथनिक वियर है जो इनका ये से स्टोर है, तो इनके पास काफ़ी अच्छे बच्चों के ऐसे वैरायटीज है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक इट आउट देयर स्टोर ऑनलाइन। इनका इंस्टाग्राम पेज भी सेम नेम से है अवेलेबल। यहाँ पे एक इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल स्टॉल है जहाँ पे ऐसे वाले जो पेंटेड वाले हैं, बहुत प्रीटी है। इनका ये इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर एनीबॉडी इंटरेस्टेड देन यू कैन फॉलो फ्रॉम हियर, यू कैन ऑर्डर ए प्लेस। ये कितना सुंदर है इनका बैग, इनके पास ऐसे डिटेचेबल वाली स्ट्रैप भी है, एंड स्पेस काफ़ी अच्छा है एंड साइज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत सुंदर प्रिंट है लेकिन इनका। सो यहाँ पर कॉटन बेस्ड साड़ियाँ, बहुत प्रीटी है इनकी साड़ियाँ। एंड इनका पेज है, आप फॉलो कर सकते हो यहाँ से, इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स है सब होम ग्राउंड ब्रांड है, तो मैं सबका यहाँ पे पेज दे रही हूँ। एक और स्टॉल है, इनका ये डिटेल है, यू कैन फॉलो हियर। एंड इनके प्रिंटेड कॉटन बेस शर्ट है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इवन इनके पास पर्स भी है, बाकी डिटेल आपको इस पेज पर मिल जाएगी। तो हम लोग अभी आए दूसरे स्टॉल पे, एंड इनके पास काफ़ी लवली ज्वेलरी है, यू कैन सी हियर। एंड ये इनका इंस्टाग्राम पेज है, यू कैन फॉलो हियर। इनके पास बहुत सुंदर कलेक्शन, ये सब होम ग्रोन ब्रांड है, और मैंने इन सब का इंस्टाग्राम हैंडल ऑलरेडी दे दिया है वीडियो में, प्लीज़ डू सपोर्ट टू देम। आपका सपोर्ट उन लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। यहाँ पे बलून भी है बच्चों के लिए, जो ऑब्वियसली इसको लेना था। ओके सो अभी नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टॉल लगे हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सबका क्लिप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे बुक है कृष्णा जी की, यहाँ पे और भी श्री कृष्णा जी के स्टैचूज, पेंटिंग, ये भी इनका होम ग्राउंड ब्रांड है, बहुत लवली ये भी। यहाँ पे कपकेक भी है जो वेगन है, एंड इनके पास लर्निंग क्लासेस भी है, यू कैन चेक इट आउट हियर। ये वाले बहुत चिपर दे रहे हैं, $10 के 3 यहाँ पे कपकेक है जो बहुत लवली है। यहाँ पे बहुत सारे पानी पूरी स्टॉल सब कुछ है यहाँ पे।
यहाँ पे ये स्टैचू भी लगा, बहुत प्रीटी है, ताकि बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सके कि एग्जैक्टली किसकी यात्रा है, भगवान श्री जगन्नाथ कौन है। और यहाँ पे फ्रूट ऑफर भी है, जो पैसे दे के आप बाय कर सकते हो यहाँ का प्रसाद। अभी ऑडियंस भर रही है यहाँ पे, थोड़ा अभी बाकी है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है उसकी वजह से, लेकिन स्टिल क्राउड सो मच। अभी यात्रा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, पर स्टार्ट होने के बाद में मैं दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे यात्रा होती है। यात्रा अभी भी चालू है, जो 2-3 घंटे तक और चलेगी, एंड साथ में ही इन्होंने प्रसाद भी चालू कर दिया गया है। तो प्रसाद के लिए काफ़ी प्रॉपर लाइन की व्यवस्था की गई है, प्लस इन्होंने बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की है सबके लिए।
सकते हो अभी भी रात रात चालू है और एक घंटे तक और चलेगी। एंड आई होप इस वाले ब्लॉग को देख के आप सबको अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ इस करते हुए ब्लॉग को समाप्त। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो ये रथ यात्रा मेरे साथ अटेंड करें, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल सी यू सून नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। And you can follow me on Instagram to know more about me.